राम का नाम और सरकार के काम के अलावा है सबसे लोकप्रिय चेहरे को आगे करना बीजेपी कभी भूल नहीं सकती। 2014 में बीजेपी की जिम्मेदारी लेकर 2017 और 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में करिश्मा करके दिखाया। अब 2022 में यूपी में पार्टी का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। ये साफ करने के बाद अमित शाह ने लक्ष्य भी तय कर दिया, 300 पार का लक्ष्य। क्या राम भरोसे काम भरोसे ये लक्ष्य इस बार यूपी में बीजेपी के लिए संभव है? बीसवीं सदी के आखिर में उत्तर प्रदेश दो हिस्सों में बटा, उत्तराखंड और यूपी। 21वीं सदी के पहले 21 साल की लड़ाई में लखनऊ गवाह है। सीट के पार जाने का मादा सिर्फ बीजेपी ही जुटा पाई है। जब 2017 में बीजेपी ने अपने दम पर अकेले 312 सीट हासिल की, ये करिश्मा बीजेपी के लिए करके दिखाने वाले अमित शाह ने 2022 का लक्ष्य भी तय कर दिया। आज अवध में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत से लोगों को शंका इस दावे पर शायद ना हो, जब संगठन के महारथी कहे जाने वाले अमित शाह टारगेट फिक्स करें, 22 करोड़ के सूबे को सबका कल्याण नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सम विकास करने का मादा रखती है। सम विकास जब चुनावी मैनेजमेंट के माहिर प्रशांत किशोर कहने लगे कि आएगी तो बीजेपी ही, गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, वेदर दे विन वेदर दे लूज, लाइक इट वाज फॉर फर्स्ट 40 इयर्स फॉर कांग्रेस, बीजेपी इज गोइंग नोवेयर, वंस यू सिक्योर 30% प्लस वोट एट इंडिया लेवल, यू आर नॉट गोइंग अवे इन हरी। फिर क्या महंगाई, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत जैसे तमाम मुद्दों के बीच भी 300 पार का लक्ष्य बीजेपी हासिल करेगी? हाँ तो कैसे? अमित शाह कहते हैं मोदी जी को 24 में पीएम बनाना है तो 22 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यही है 24 के चक्कर में 22 की टक्कर। 22 की टक्कर में 2024 का जिक्र लाने का कारण है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। 2014 से ठीक दो साल पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 15% वोट पाती है, 2009 में 17% मत मिलता है, 2007 के चुनाव में यूपी में बीजेपी के हिस्से 16% वोट आता है। नरेंद्र मोदी का चेहरा आने के बाद से देखिए, 2014 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 42.63% वोट लाती है, 2017 में 40% और 2019 में 49% के पार। बीजेपी को लोकसभा में यूपी में 10 सीट से 70 के पार ले जाना और विधानसभा में 40-50 सीट से 300 के पार ले जाना, ये सब कुछ मोदी अमित शाह कर चुके हैं। क्या 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में 300 पार का नारा फिर से देकर पूरा करना संभव होगा? राजनीतिक एक्सपर्ट इस पर संशय जताते हैं।